तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपने जहां अपन रहते हैं अगर अपना मोबाइल में नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं। तो मोबाइल नेटवर्क अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसके लिए पहले तो आपको देखना है कि आप जहां रहते हो उसके आसपास कौन सी कंपनी का टावर लग रखा है। तो टावर पता करने के लिए एक ओपन सिग्नल ऐप आता है, वो डाउनलोड करके आप उसे पता कर सकते हो कि आपके मतलब नेटवर्क वगैरह कौन सा नेटवर्क पास पड़ता है। और बाकी उसके अलावा आप कंप्लेन भी कर सकते हो कंपनी को, जैसे आप एयरटेल वगैरह जियो वगैरह में कस्टमर केयर पे कंप्लेन वगैरह लिखाते हो तो उसमें भी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं बंदे। तो पहले अपन ऐप वाला देख लेते हैं भाई कि अपने को पास में कौन सा टावर है उसके बारे में कैसे पता करते हैं अपन। तो चलते हैं मैं प्ले स्टोर पर और ऐप डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या आप पता कर सकते हो कि अपने नज़दीक में कौन सा टावर। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में सर्च मारना है ओपन सिग्नल, और ओपन सिग्नल ऐप को इंस्टॉल करना है आपको। ये ऐप इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन करना है, ओपन करना स्टार्ट करना है। जो भी परमिशन मांगता है उसकी परमिशन दे देनी है। तो जैसे आप देख सकते हो इसके सबसे इधर की तरफ जाना है और सेल्युलर टावर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका नज़दीक वाला टावर कौन सा, ये बता देगा आपको कि जैसे ये है तो ये मेरी लोकेशन है और यहाँ से ये पास वाला जो जियो का टावर है ये कनेक्टेड है। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा कि आपको उसी की सिम यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप अपने जब नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो किसी और बंदे का मोबाइल में इंस्टॉल करके आप देख सकते हो जिसके पास अलग कंपनी की सिम हो। उसके अलावा आप डाउनलोड स्पीड वगैरह देख सकते हो, स्पीड टेस्ट भी कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं स्पीड टेस्ट करके देखता हूँ मेरी कितनी क्या स्पीड आ रही है तो ये बता देगा भी कितनी क्या डाउनलोड स्टोर्ड अपलोड स्पीड क्या है। इसके अंदर आप देख सकते हो जो डाउनलोड स्पीड है वो है 541 MB, अपलोड स्पीड भी उधर आई है। अपलोड स्पीड इसके अंदर 44 आई है, 44.4। इसके अलावा आप वीडियो टेस्ट भी कर सकते हो इसके अंदर कि आपकी वीडियो वगैरह कैसी चलती है आपके मोबाइल के अंदर, कितनी क्या बफरिंग वगैरह रहती है। आप देख सकते हो वीडियोस में HD वीडियो चल रहा है ये, तो इसमें ये बफरिंग वगैरह बता देगा कि टाइम कितना क्या लगता है। तो आपके आसपास में मतलब जिसका नेटवर्क है वो देख लो, अगर पास में जिसका नेटवर्क पड़ रहा है उसी की सिम आपको यूज़ करनी है तो उससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐप के माध्यम से आपको पता चल गया होगा आपके पास में कौन सा टावर है जिसका सिग्नल अच्छा आता है, कितनी क्या स्पीड है, इससे अपन को ऐप से पता चल गया। तो अब अपन ये कंप्लेन वगैरह लिखाते हैं, जैसे अपन ने एयरटेल में कंप्लेन लिखाई कि हमारे टावर वगैरह आता नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं जो मेंटेनेंस टीम वगैरह होती है उनको भेजते हैं, जो अपन लाहा के अपन एरिया जो लोकेशन वगैरह इनको बताते हैं उसके बारे में। तो फिर ये क्या करते हैं कि जो डिगर करके बंदा होता है जो टावर के ऊपर चढ़ता है, और ये ऊपर की तरफ जो एंटीने लग रखे हैं इसके तीन तरफ के सेक्टर हैं, दो सेक्टर इधर है, दो सेक्टर मतलब तीनों दिशा में है, तो ये एंटीना को हल्का सा इधर उधर घुमा के देखते हैं जिससे कि नेटवर्क आ जाए। लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता आपके नेटवर्क में, क्योंकि अगर आपके एरिया में टावर होगा ही नहीं, इसकी वजह से टावर जो ये है इसकी जो रेंज वो 2 किलोमीटर करीब नहीं होती, ज़्यादा रेंज होती नहीं इसकी। तो अगर आपके एरिया के आसपास टावर ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से आएगा। तो उससे बेटर है कि आपको अगर आप नेटवर्क अच्छा चाहिए अपने मोबाइल के अंदर तो आपके एरिया में जिसका टावर है उसकी सिम ले लीजिए आप, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। क्योंकि कंपनी से आप कंप्लेन लिखाओगे एयरटेल के अंदर जियो के अंदर तो वो यही बोलेंगे VI वाले कि हमारी फील्ड टीम काम कर रही है और आपको बेहतर नेटवर्क मिल पाएगा जल्दी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी को एक टावर लगाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और वो टावर तभी लगाती है उसके जब ज़्यादा कस्टमर हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ भाई यहाँ टावर लगाने की रिक्वायरमेंट है इनको, यहाँ पर अपने ज़्यादा कस्टमर हो गए, कस्टमरों को समस्या हो रही है, लोड वगैरह ज़्यादा हो गया, तो ही वो उस एरिया में टावर लगाते हैं बाकी नहीं लगाते हैं। तो उससे बेटर है कि आप सारी कंपनी रिचार्ज तो सेम ही लेती है, तो आप जिसमें पोर्ट करवा लो, जैसे आपको लग रहा है यहाँ अपना यहाँ पे वोडाफोन का टावर अच्छा आता है या फिर एयरटेल का अच्छा आता है, जियो का जिसका अच्छा आता है उसका आप सिम ले लीजिए और यूज़ कीजिए, उससे बेटर उससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं है। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे जहाँ मैं अभी करेंट में रहता हूँ वहाँ दोनों का सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पर दोनों नेटवर्क अच्छा आता है, एयरटेल का भी अच्छा आता है और वोडाफोन का भी अच्छा आता है और जियो का भी अच्छा आता है। तो मेरे पास जियो की और एयरटेल की दोनों की सिम है, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ तो मेरे को नेटवर्क चाहिए होता है, जैसे कहीं जगह एयरटेल का नहीं आता, कहीं जगह जियो का अच्छा आता है, कहीं जगह जियो का अच्छा नहीं आता तो एयरटेल का अच्छा आता है। जैसे अगर मैं मेरे गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में एयरटेल का अच्छा आता है, और मेरे ससुराल वगैरह जाता हूँ तो वहाँ भी एयरटेल का अच्छा आता है, इसलिए मैं जो मेरी मेन सिम है वो एयरटेल की रखता हूँ।
और जैसे आप भी जहाँ काम करते हो या जहाँ आपका घर है, जहाँ जहाँ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो, उस हिसाब से आप नेटवर्क चूज़ कर सकते हो कि अपने को कौन सी सिम लेनी है। अगर आपके वोडाफोन का अच्छा रहा तो वोडाफोन लीजिए, जियो का अच्छा रहा तो जियो लीजिए, जिसका अच्छा रहा वीआई का अच्छा था वीआई लीजिए, जिसका जो नेटवर्क अच्छा आता है उसका आप सिम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सोचोगे भाई अपन कंप्लेन लिखा है उससे कंपनी अपना नेटवर्क बेटर कर देगी, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप मतलब जैसे बूस्टर लगा देंगे वो लगा लेंगे, जैसे एयर फाइबर जो भी चल रहा है तो एयर फाइबर भी 2 किलोमीटर की रेंज होती है टावर की, 2 किलोमीटर तक ही काम करता है, उसके बाद में वो भी काम नहीं करता है। तो वो इससे बढ़िया यही है सोल्यूशन कि आप मतलब अपने जो नज़दीक जो टावर पड़ता है उसकी सिम ले लीजिए, उससे क्या आपका नेटवर्क भी अच्छा हो जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो